हेलो फ्रेंड्स, आपका निकिताज किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए स्पेशल डोसा और मूंगफली की ग्रेवी वाली चटनी। तो हम पहले चटनी बनाते हैं, तो उसी के लिए मैंने पैन में 2 चम्मच तेल लिया है। तेल हमारा गर्म होने के बाद मैं उसमें जीरा ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब जीरा और हरी मिर्ची हमारी अच्छी चटकने लगी है, उसी के साथ हम आधा कप मूंगफली का पाउडर ऐड कर रहे हो, जो मैंने पहले से ही मूंगफली भूनकर उसे पीस कर रखा था वही मैं ऐड कर रही हूँ। मूंगफली का पाउडर डालते से ही वह जलने लग जाता है, इसी के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जिससे कि हम इसे अच्छे से भून सकें। उसी के साथ हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हो तो आप 1 के बजाय 2 हरी मिर्च का यूज कर सकते हो। देखिए, अब जो मूंगफली का हमारा जो मसाला बना है वो थोड़ा सा सूखा लग रहा है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। 1-2 चम्मच के करीब पानी मैंने ऐड किया है। अब मूंगफली को हम थोड़ा सा अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, जिससे कि उसका तेल भी निकल जाएगा और वह हमारे ग्रेवी में बहुत अच्छा लगेगा। अब इसी के साथ हमें इसमें छाछ ऐड करना है। मैंने 1 कप छाछ लिया है। अगर आपके पास छाछ नहीं हो तो आप दही में भी पानी डालकर ऐड कर सकते हो। छाछ हमें खट्टा नहीं लेना है। अगर हम खट्टा लेंगे तो हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत खट्टी बनेगी, इसलिए मैंने थोड़ा फीका ही छाछ लिया है। छाछ डालने के बाद हमें तुरंत ही गैस बंद करना है। मैंने स्वादानुसार नमक ऐड किया है और हम पूरा जो मूंगफली का हमारा पेस्ट बनी थी वो पूरी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हम डोसा बनाते हैं। तो डोसा बनाने के लिए मैंने भगर को पहले से ही 2 घंटे के लिए भिगा कर रखा था। आप इसे भगर भी कह सकते हो या सामा के चावल भी कह सकते हो। 2 घंटे भिगाने की वजह से वो अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है और जो हमारे डोसे रहेंगे वो भी अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। उसी के साथ मैं 1 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, स्वादानुसार नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसे हमें अच्छे से इसकी बारीक पेस्ट बना लेना है। देखिए, पेस्ट हमारी बन चुकी है। उसी के साथ मैं 3/4 कप इसमें दही ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारा जो डोसा है उसका टेस्ट खट्टा आएगा थोड़ा सा। और 1 मीडियम साइज का आलू मैंने बॉईल करके रखा था, उसे मैंने किस कर डाला है, जिससे कि हमारे डोसे अच्छे सॉफ्ट आएंगे। बहुत से बार हम जब सामा के चावल के डोसे बनाते हैं तो वो थोड़े से कड़क लगते हैं, तो आप इस तरह बनाइए, बिल्कुल भी डोसा कड़क नहीं लगेगा, सॉफ्ट आएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। देखिए, हमारा बैटर इस तरह बन चुका है। अगर आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके ही बना सकते हो। अब तवे को हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। तवा हमारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस पे हम डोसे बना लेंगे। डोसे हम छोटे छोटे ही बनाएंगे। देखिए, डोसे डालते से ही फूलने लगे हैं। अब इसे हमें लीड लगकर अच्छे से पका लेना है डोसे को, जिससे कि वो अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे और जो हमारे चावल हैं वो भी अच्छे सॉफ्ट लगेंगे उसके अंदर। अब एक साइड से हमारा डोसा पक चुका है। अब दूसरे साइड से हम डोसे को पका लेते हैं। दूसरे साइड से ही पकाने के समय हमें इस पर लीड रखकर पकाना है। देखिए, 1 डोसा हमारा बन चुका है। बाकी सभी डोसे हम बना लेंगे। इसी तरह हम गर्मा गर्म डोसे बनाकर सर्व कर सकते हो या आप ठंडे भी खा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह मैं नई नई रेसिपी आपके लिए लेकर आते रहूंगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।